हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है जुनैद और आपका स्वागत है अब्रॉड ओवरसीज जॉब्स में। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो अब्रॉड में, यानी कि गल्फ, यूरोप या किसी भी कंट्री में, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो, क्योंकि हम इसी तरह के जॉब ओपनिंग्स हमारे इस चैनल पे डेली डालते हैं। तो आप अगर इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आप किसी भी जॉब अपडेट को मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के जॉब ओपनिंग से। और आज की पहली रिक्वायरमेंट जो है, ये एक फर्नीचर और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रिक्वायरमेंट है यूएई के लिए, जिसमें इन्हें सीनियर फर्नीचर कारपेंटर की जरूरत है। इसमें सैलरी आपको दी जाएगी 1700 से लेके 2000 दिरहम। इसके अलावा फर्नीचर कारपेंटर टीम लीडर की भी जरूरत है, और इसमें सैलरी आपको दी जाएगी 2000 से लेके 2000 दिरहम। इसमें आपको जो है ड्रॉइंग्स रीड करना आना चाहिए, और 5 साल का आपके पास किसी भी फर्नीचर फैक्ट्री का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। इसके अलावा कुछ और रिक्वायरमेंट है बहरीन के लिए। ये एक एल्यूमिनियम फैब्रिकेशन कंपनी की रिक्वायरमेंट है, जिसमें इन्हें एल्यूमिनियम फैब्रिकेटर्स, फिटर्स और एल्यूमिनियम हेल्पर्स की रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा ओमान के लिए भी रिक्वायरमेंट है, एक ऑयल एंड गैस कंपनी का रिक्वायरमेंट है, जिसमें इन्हें फैब्रिकेटर की जरूरत है, जो कि टैंक, वेसल और पाइप के लिए, और इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट है। इसकी शॉर्टलिस्टिंग स्टार्ट हो चुकी है, और इसमें से अगर किसी भी जॉब का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, और अगर आप इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो इसके लिए जो है स्क्रीन पर दिए गए इनके ईमेल आईडी पे आप अपना बायोडाटा, बाकी डॉक्यूमेंट्स इन्हें ईमेल कीजिए। इसके अलावा आप इन्हें कॉल करके भी जो है इंटरव्यू की सारी जानकारी ले सकते हो। और इसी के साथ हम चलते हैं हमारे अगले जॉब की तरफ। और ये रिक्वायरमेंट जो है इसराइल के लिए है। इसका जो क्लाइंट इंटरव्यू होगा वो होगा 2nd, 3rd, और 4th जनवरी 2023 को। और ये रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह से है, ये है पाइप फिल्टर्स की रिक्वायरमेंट है, जिसमें सैलरी आपको दी जाएगी 2000 से लेके $2500। इसमें आपको जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए रीड और प्रिपेयर करने में, पाइपिंग आइसोमेट्रिक जो होती है उसकी एक्सपीरियंस होना चाहिए, नॉलेज आपको। इसके अलावा वेल्डिंग इंस्पेक्टर्स की भी रिक्वायरमेंट है, और इन सभी पोस्ट के लिए आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम 5 साल का माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड, फार्मा में। और इस जॉब को अप्लाई करने की जो एज लिमिट है वो है 50 साल। तो इनमें से किसी भी जॉब का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, और अगर आप इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं इसराइल के लिए, तो इसके लिए स्क्रीन पर दिए गए इनके ईमेल आईडी पे आप अपना बायोडाटा और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स आप इन्हें ईमेल कीजिए। इसके अलावा आप इन्हें कॉल करके भी जो है इंटरव्यू की सारी जानकारी ले सकते हो। तो इसी के साथ हम चलते हैं हमारे अगले जॉब की तरफ। और ये जो रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट कनाडा के लिए है, और ये रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह से है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जिसमें 5 लोगों की जरूरत है, और आपको 1 घंटे की जो सैलरी दी जाएगी वो रहेगी 30 से 35 कैनेडियन डॉलर। और इसके अलावा लाइन कुक, कुक वन और कुक टू के लिए 190 लोगों की जरूरत है, और सैलरी आपकी रहेगी 18 से 20 कैनेडियन डॉलर 1 घंटे की। और इसके अलावा बेकर्स के लिए 15 लोगों की जरूरत है, और सैलरी है 20 से 25 डॉलर। और रजिस्टर्ड नर्सिस की जरूरत है, बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, 200 लोगों की जरूरत है, सैलरी रहेगी $30 1 घंटे की। और वेटर्स के लिए फीमेल की जरूरत है 20 लोगों की, सैलरी आपकी रहेगी लगभग $14 1 घंटे की। और लैंडस्केप सुपरवाइजर के लिए 3 लोगों की जरूरत है, सैलरी आपकी रहेगी $25.50 1 घंटे की। और रूफर्स और रूफिंग लेबर के लिए 20 लोगों की जरूरत है, सैलरी आपकी रहेगी $17 से $40 1 घंटे की। और इसके अलावा ट्रक ड्राइवर की जरूरत है 25 लोगों की, इसमें सैलरी आपकी रहेगी लगभग $23 1 घंटे की। और आपके पास जो है 2 ईयर का मिडिल ईस्ट का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। और इसके अलावा एनिमल हेल्थ टेक्नोलॉजीज और वेटरिनरी टेक्नीशियंस की जरूरत है, जिसमें 15 लोगों की जरूरत है, और इसमें सैलरी आपकी रहेगी $16 से $20 1 घंटे की। और इन सभी पोस्ट के लिए आपके पास 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और इस जॉब को अप्लाई करने की एज लिमिट है 25 से 40 साल, और कम से कम आप 12वीं पास होना चाहिए, और इंग्लिश आना जरूरी है, IELTS का स्कोर आपसे पूछा जाएगा कैनेडा के लिए। तो इनमें से किसी भी जॉब का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, और अगर आप इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो स्क्रीन पे दिए गए इनके ईमेल आईडी पे आप अपना बायोडाटा, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स आप इन्हें ईमेल कीजिए। इसके अलावा जो है आप इन्हें कॉल करके भी जो है इंटरव्यू की
सारी जानकारी ले सकते हो। तो इसी के साथ हम चलते हैं हमारे अगले जॉब की तरफ। और ये जो रिक्वायरमेंट है ये भी इसराइल के लिए ही है, इसमें केयर गिवर्स की जरूरत है, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको SSC HSC होना चाहिए और इस जॉब को अप्लाई करने की जो एज लिमिट है वो है 24 से 48 साल, और जिसको भी इसका एक्सपीरियंस है जो क्वालिफाइड है वो अप्लाई जरूर कीजिए, और इंग्लिश बोलना आना जरूरी है। एक लॉन्ग टर्म जॉब रहेगा कंपनी के द्वारा, आपको जो है रहना खाना मेडिकल इंश्योरेंस और साल में बोनस भी दिया जाएगा। तो अगर आप इस जॉब पे इंटरेस्टेड हो केयर गिवर्स के लिए, तो इसके लिए जो है इनके दिए गए ईमेल आईडी पे आप अपना बायोडाटा बाकी डॉक्यूमेंट्स आप इन्हें ईमेल कीजिए। इसके अलावा आप इन्हें कॉल करके भी जो है इंटरव्यू की सारी जानकारी ले सकते हो। और इसी के साथ हम चलते हैं हमारे अगले जॉब की तरफ। ये जो रिक्वायरमेंट है ये सऊदी अरब की अल अरब अराफा कंपनी रिक्वायरमेंट है, जिसका कि प्राइम इंटरव्यू होगा 4 जनवरी को त्रिची में। ये रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह से है, जैसे कि फायर अलार्म टेक्नीशियन, पंप टेक्नीशियन, स्टोर कीपर, मैकेनिकल टेक्नीशियन, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन, जनरेटर्स, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, एलिवेटर टेक्नीशियन, बॉयलर्स टेक्नीशियंस, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट टेक्नीशियन और केमिकल टेक्नीशियन और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट टेक्नीशियन, HVAC टेक्नीशियन और प्लम्बर की रिक्वायरमेंट है। इन सभी पोस्ट के लिए आपके पास कम से कम जो है 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी फैसिलिटी मेंटेनेंस में। इंडिया का एक्सपीरियंस भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इस जॉब को अप्लाई करने के लिए। तो अगर इस जॉब के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, आपके पास एक्सपीरियंस वगैरह है, तो इसके लिए स्क्रीन पर दिए गए इनके ईमेल आईडी पे आप अपना बायोडाटा बाकी डॉक्यूमेंट्स आप इन्हें ईमेल कीजिए। इसके अलावा आप इन्हें कॉल करके भी जो है सारी जानकारी ले सकते हो। तो इसी के साथ हम चलते हैं हमारे अगले जॉब की तरफ। और ये रिक्वायरमेंट जो है ये सऊदी अरब के लिए है, और इसका जो क्लाइंट इंटरव्यू होगा फेस टू फेस वो होगा जनवरी के दूसरे हफ्ते में, होगा कोचीन में, मुंबई में और दिल्ली में। और ये रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह से, जैसे कि असिस्टेंट स्टोर कीपर्स की रिक्वायरमेंट है, HSC ऑफिसर्स, ड्राफ्टमैन, BIM मैनेजर, इलेक्ट्रिकल BIM कोऑर्डिनेटर, QA/QC ऑफिसर, सीनियर HSC ऑफिसर्स, फोरमैन और BIM मैनेजर, BIM कोऑर्डिनेटर और मैकेनिकल BIM कोऑर्डिनेटर, लीड इंजीनियर मैकेनिकल और मैकेनिकल साइट इंजीनियर, साइट सुपरवाइजर मैकेनिकल, साइट सुपरवाइजर प्लम्बिंग के लिए, QA/QC इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल साइट इंजीनियर, प्लम्बिंग साइट इंजीनियर, HSC सुपरवाइजर और क्लर्क सेक्रेटरी की रिक्वायरमेंट है। और इसमें जो है कंपनी के द्वारा आपको रहना, ट्रांसपोर्ट और मेडिकल प्रोवाइड किया जाएगा, और ECNL पासपोर्ट है तो आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो इनमें से किसी भी जॉब के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हो और आपके पास एक्सपीरियंस है, तो इसके लिए जो है स्क्रीन पे दिए गए इनके ईमेल आईडी पे आप अपना बायोडाटा बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स आप इन्हें ईमेल कीजिए। इसके अलावा आप इन्हें कॉल करके भी जो है इंटरव्यू की सारी जानकारी ले सकते हो। और इसी के साथ हम चलते हैं हमारे अगले जॉब की तरफ। और ये जो रिक्वायरमेंट है ये एक ऑयल एंड गैस कंपनी का रिक्वायरमेंट है, और ये रिक्वायरमेंट कतर के लिए है, और इसमें जो है आपके पास कम से कम 3 साल का गल्फ का एक्सपीरियंस होना चाहिए। रिक्वायरमेंट है वेल्डर जो कि TIG, ERC और MIG के लिए, ENI टेक्नीशियन, फायर एंड गैस, डॉक्यूमेंट कंट्रोलर, मेंटेनेंस शेड्यूलर, केमिस्ट, रिजिंग सुपरवाइजर, सेफ्टी ऑफिसर, सीनियर प्रोक्योरमेंट ऑफिसर, प्रोक्योरमेंट ऑफिसर, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन और इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन। इसके लिए आपको डिप्लोमा होना चाहिए। अकाउंटेंट, कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेटर और कोटिंग और इंसुलेशन सुपरवाइजर, लीड कम्युनिकेशन और मीडिया ऑफिसर, बूम ट्रक ऑपरेटर और मैन लिफ्ट ऑपरेटर, वैक्यूम टैंकर ड्राइवर। इसके लिए आपको इसका कतर का लाइसेंस होना चाहिए। फायर वॉच, कन्फाइंड स्पेस एंट्री और लीड मैकेनिकल टेक्निकल रोटरी इक्विपमेंट, मैकेनिकल टेक्नीशियन और मैकेनिकल प्लानर, और इसके अलावा एक्सपीडिटर, पैरालीगल, रिजर्व फैब्रिकेटर, मशीनिस्ट, एनालाइजर टेक्नीशियन, ब्रांडिंग ऑफिसर, सीनियर लीगल काउंसिल और शिफ्ट केमिस्ट की रिक्वायरमेंट है। और इसके
इसमें से अगर किसी भी जॉब का आपके पास एक्सपीरियंस है और आप इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो सबसे पहले जो है इनके दिए गए मेल आईडी पे आप अपना बायोडाटा और बाकी डॉक्यूमेंट्स आप इन्हें ईमेल कीजिए। इसके अलावा आप इन्हें कॉल करके भी जो है इंटरव्यू की सारी जानकारी ले सकते हो। तो इसी के साथ हम चलते हैं हमारे अगले जॉब की तरफ। और ये रिक्वायरमेंट जो है कतर के लिए है, और ये रिक्वायरमेंट है कारपेंटर फोरमैन की, जिसमें 25 लोगों की जरूरत है। कंपनी को सैलरी आपको दी जाएगी 3500 कतरी रियाल। उसमें आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, और आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए सिविल में। और इसके अलावा फिनिशिंग कारपेंटर के लिए 25 लोगों की जरूरत है। इसमें भी आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और आप आईटीआई होल्डर होना चाहिए। उसमें सैलरी आपको दी जाएगी 1600 रियाल। इसके अलावा फर्नीचर पेंटर के लिए 25 लोगों की जरूरत है, और सैलरी आपकी इसमें भी रहेगी 1600 रियाल। और आपके पास वुड पेंटिंग और स्प्रे और ब्रश का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। और इसके अलावा वुड कार्वर्स के लिए 10 लोगों की जरूरत है, सैलरी आपको दी जाएगी 1600 रियाल, और 5 साल का आपके पास वुड कार्विंग का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। तो इनमें से किसी भी जॉब का आपके पास एक्सपीरियंस है और आप इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो इसके लिए जो है स्क्रीन पर दिए गए इनके ईमेल आईडी पे आप अपना बायोडाटा बाकी डॉक्यूमेंट्स आप इन्हें ईमेल कीजिए। इसके अलावा जो है आप इन्हें कॉल करके भी इंटरव्यू की सारी जानकारी ले सकते हो। तो इसी के साथ हम चलते हैं हमारे अगले जॉब की तरफ। और ये जो रिक्वायरमेंट है ये एक केटरिंग और सपोर्ट सर्विस कंपनी का रिक्वायरमेंट है, यूएई के लिए है। और ये रिक्वायरमेंट है टीम लीडर की क्लीनिंग के लिए। इसमें सैलरी आपको दी जाएगी 1515 दिरहम, और लॉन्ड्री अटेंडेंस के लिए सैलरी आपको दी जाएगी 1215 दिरहम, क्लीनर्स के लिए आपको सैलरी दी जाएगी 1165 दिरहम, और टीम लीडर जो किचन और स्टीवर्ट के लिए उसके लिए आपको सैलरी दी जाएगी 1415 दिरहम, और किचन स्टीवर्ट्स के लिए सैलरी है 1415 दिरहम। इसमें कंपनी सिर्फ ईसीएनआर पासपोर्ट ही एक्सेप्ट कर रही है, तो वही लोग अप्लाई कीजिएगा। रिक्रूटमेंट बिल्कुल भी फ्री है, और अगर आप इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई जरूर कीजिएगा, क्योंकि कंपनी आपको जो है रहना प्रोवाइड करेगी और खाना भी प्रोवाइड करेगी, और 9 घंटे की ड्यूटी देगी। हफ्ते में 6 दिन आपका काम रहेगा, और खाना बिल्कुल फ्री दिया जाएगा। तो अप्लाई करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए इनके ईमेल आईडी पे आप अपना बायोडाटा और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स आप इन्हें ईमेल कीजिए। इसके अलावा जो है आप इन्हें कॉल करके भी इंटरव्यू की सारी जानकारी ले सकते हो। तो इसी के साथ हम चलते हैं हमारे अगले जॉब की तरफ। और ये जो रिक्वायरमेंट है ये दुबई के लिए फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी का रिक्वायरमेंट है, जिसका कि शॉर्टलिस्टिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। शॉर्टलिस्टिंग की डेट है 30 दिसंबर से 5 जनवरी। इसका फाइनल इंटरव्यू होगा 10 जनवरी 2023 को मुंबई में। और ये रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह से है, एचवीएसी सुपरवाइजर्स, एचवीएसी फोरमैन चार्ज हैंड, चिलर टेक्नीशियन, मल्टी स्किल टेक्नीशियन, सीनियर एचवीएसी टेक्नीशियन, एचवीएसी टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिशियन चार्ज हैंड, सीनियर इलेक्ट्रिशियन, और इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, मेसन और वॉल पेंटर। भाई सभी पोस्ट के लिए आपके पास 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है किसी भी सर्विस या मेंटेनेंस कंपनी में। और अगर आपके पास गल्फ का एक्सपीरियंस है तो आपको ये जॉब इजिली मिल जाएगा। तो इनमें से किसी भी जॉब का आपके पास एक्सपीरियंस है, और अगर आप अप्लाई करना चाहते हो इस जॉब के लिए, तो स्क्रीन पे दिए गए इनके ईमेल आईडी पे आप अपना बायोडाटा बाकी डॉक्यूमेंट्स आप इन्हें ईमेल कीजिए। इसके अलावा आप इन्हें कॉल करके भी जो है इंटरव्यू की सारी जानकारी ले सकते हो। और इसी के साथ हम चलते हैं हमारे अगले जॉब की तरफ। और ये जो रिक्वायरमेंट है ये इसराइल के लिए एक कंस्ट्रक्शन कंपनी, हैवी स्टील कंपनी की रिक्वायरमेंट है। ये एक लॉन्ग टर्म जॉब है, इसकी शॉर्टलिस्टिंग स्टार्ट हो चुकी है। इसका जो क्लाइंट इंटरव्यू होगा वो जनवरी के पहले हफ्ते में होगा, मुंबई, वडोदरा, कोची और वाइजैक में। और ये रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह से है, स्ट्रक्चरल स्टील फैब्रिकेटर, स्ट्रक्चरल स्टील फिटर, स्ट्रक्चरल स्टील इरेक्टर्स और आयरन वर्कर्स, टीम मैनेजर्स और CO2 वेल्डर, FCAW और इलेक्ट्रोड और GTOW प्लस SMAW। इन सभी पोस्ट के लिए आपके पास SSC होना चाहिए और ITI होना चाहिए, और 7 साल का आपके पास गल्फ का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और आपको इंग्लिश आना जरूरी है। इसमें सैलरी आपको दी जाएगी 1.25 लाख रुपया हर महीना। तो इसकी शॉर्टलिस्टिंग शुरू होने वाली है 30 तारीख से। तो अगर आप इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो, अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आप मुंबई से हो तो मुंबई के दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए।
वडोदरा से हो तो वडोदरा पे, कोचिन से है या वाइजैक से है तो उन जगहों के नंबर पे आप इन्हें कॉल कीजिए और कॉल करके सारी जानकारी आप इनसे ले सकते हो। तो इसी के साथ हम चलते हैं हमारे अगले जॉब की तरफ। और ये जो रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट सऊदी अरब के लिए है, अल यमामा कंपनी के रिक्वायरमेंट है, ये डिसलिनेशन और रेफ्रिजरेशन प्लांट का रिक्वायरमेंट है। और ये रिक्वायरमेंट है स्टीम बॉयलर ऑपरेटर, गैस स्टेशन ऑपरेटर, वाटर कूलिंग एयर कंडीशनिंग प्लांट ऑपरेटर एचवीएसी के लिए, और डिसलिनेशन मशीनरी ऑपरेटर, और वाटर डिसलिनेशन यूनिट मैकेनिक, डिसलिनेशन यूनिट मेंटेनेंस स्पेशलिस्ट। इसके लिए आपका डिग्री होना चाहिए, मास्टर्स होना चाहिए केमिकल में, एचवीएसी टेक्नीशियन, सब स्टेशन मेंटेनेंस टेक्नीशियन और एचवीएसी सिस्टम स्पेशलिस्ट और केमिकल स्पेशलिस्ट और जनरल मेंटेनेंस इंस्पेक्टर और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल इंजीनियर। सभी के लिए आपको डिग्री या फिर मास्टर्स होना चाहिए और 5 से 8 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी डिसैलिनेशन या रेफ्रिजरेशन प्लांट में। तो अगर आपके पास ये एक्सपीरियंस है और ये आप इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो इसके लिए जो है स्क्रीन पर दिए गए इनके ईमेल आईडी पे आप अपना बायोडाटा, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स आप इन्हें ईमेल कीजिए, और इसके अलावा जो आप इन्हें कॉल करके भी इंटरव्यू की सारी जानकारी ले सकते हो। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये जो वीडियो था हमारा पसंद आया होगा। और अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो दुबई, कुवैत, सऊदी या फिर किसी भी कंट्री में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह के जो जॉब वैकेंसी होते हैं अब्रॉड के डेली हमारे चैनल पे अपलोड करते हैं। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में कुछ नए जॉब वैकेंसीज के साथ। थैंक यू वेरी मच।